पेड़ कभी डाल काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी और गलत व्यवहार से हारता है। एक बार एक सादी घड़ी ने रोलेक्स घड़ी को कहा कि तेरे में और मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुम भी समय दिखाते हो और मैं भी समय दिखाता हूँ। तब रोलेक्स घड़ी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। रोलेक्स घड़ी ने कहा, तू इंसान को समय दिखाता है और मैं इंसान का समय दिखाता हूँ। जुनून एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर इंसान की चाहत पागलपन का रूप ले लेती है। किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो, क्योंकि जिंदगी जब तुम्हारे साथ खेलेगी तो सारे खेल भूल जाओगे। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। सफर सिखाता है इंसान को अपने घर की अहमियत। जिस घर में आराम से बैठे रहने को इंसान कुछ नहीं समझता। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। लोगों की बात मत सुना करो। लोग तो कहते हैं कि पूनम उजली है और अमावस काली है, फिर भी पूनम को होली है और अमावस को दिवाली है। वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पे तुझे भी बदलने पे मजबूर कर देंगे। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे, मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं, तो आपको बिना घड़ी देखे काम भी करना पड़ेगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। तन को सौ सौ बंदिशें, मन को लगी न रोक, तन की दो गज कोठरी, मन के तीनों लोक।